रविवार को बैकुंठ धाम भिलाई के डॉक्टर भीमराव अंबेडकर भवन में जिला स्तरीय ताइक्वांडो प्रतियोगिता का आयोजन जिला ताइक्वांडो एसोसिएशन दुर्ग के तत्वाधान में किया गया, जिसमें पूरे जिले से खिलाड़ियों ने भाग लेकर एक दूसरे से आगे निकलने एवं अपना चयन राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में करवाने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगाते दिखे। दुर्ग जिला ताइक्वांडो एसोसिएशन द्वारा जिला स्तरीय ताइक्वांडो प्रतियोगिता का आयोजन भिलाई में किया गया। इस प्रतियोगिता में दुर्ग जिले के विभिन्न शहरों से ताइक्वांडो के खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया। यह प्रतियोगिता सब जूनियर और सीनियर वर्ग के लिए आयोजित की गई थी। प्रतियोगिता में शामिल सभी बालक बालिकाओं ने अपना चयन राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में करने हेतु पूरा दमखम लगाया और एक दूसरे को परास्त करते नजर आए। दुर्ग जिला ताइक्वांडो प्रतियोगिता में भिलाई शहर के खिलाड़ियों ने अपना विशेष प्रदर्शन करते हुए को सर्वश्रेष्ठ साबित भी किया। आयोजकों ने बताया कि इस प्रतियोगिता का आयोजन दुर्ग जिला ताइक्वांडो एसोसिएशन के तत्वाधान में किया जा रहा है और इस प्रतियोगिता में चयनित खिलाड़ी रायपुर में होने वाली राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में दुर्ग जिले का प्रतिनिधित्व करेंगे। सब जूनियर और सीनियर वर्ग के विभिन्न वेट कैटेगरी में यह प्रतियोगिता आयोजित की गई, जिसमें बालक और बालिका दोनों ही टीमों ने हिस्सा लिया। दुर्ग जिला ताइक्वांडो एसोसिएशन इस आयोजन की तैयारी बड़े ही लंबे समय से कर रहा था, जिससे यह प्रतियोगिता सफल रहे और इस प्रतियोगिता में शामिल होने वाले प्रतिभागियों को किसी प्रकार का कहीं भी कोई दिक्कत ना उठानी पड़े। जी सर, ये जो डिस्ट्रिक्ट टूर्नामेंट है उसके लिए हमारी टीम ने बहुत वर्क किया, मेहनत किया, उसके बाद आज एक दिन का हम डिस्ट्रिक्ट टूर्नामेंट करवा रहे हैं। यहाँ से जो बच्चे सिलेक्ट होंगे वो आने वाले रायपुर में 18 तारीख को टूर्नामेंट हो रहे हैं, उसमें जाके जो सिलेक्ट होंगे वो खेलेंगे और हमारा जो एसोसिएशन है वो ताइक्वांडो फेडरेशन ऑफ इंडिया से वैलिड है और इसी एसोसिएशन से जो स्टूडेंट खेलते हैं आने वाले समय में उन्हीं स्टूडेंट के सर्टिफिकेट को मान्यता है, उसी सर्टिफिकेट को बेनिफिट मिलेगा। सर, इस टूर्नामेंट में सब जूनियर और सीनियर खेल रहे हैं। जो 12 साल से छोटे हैं वो सब जूनियर में हैं और जो 18 साल से ऊपर एज के हैं वो सीनियर में हैं। कम से कम सर इसमें 100 खिलाड़ी आए हुए हैं। ये डिस्ट्रिक्ट टूर्नामेंट है तो पूरे दुर्ग जिले में जितने भी एकेडमी चलते हैं, जैसे हमारे कुम्हारी में है, खुर्सीपार में है, वैशाली नगर में है, केंद्रीय विद्यालय दुर्ग में है और बालोद में है, इस तरह से कई क्लबों से मतलब स्टूडेंट खेलने के लिए आए हैं। सर, बच्चों की मेहनत तो बहुत अच्छी है और बच्चे बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। कुछ बच्चे हैं जो बिगनर्स हैं लेकिन फिर भी उनका कॉन्फिडेंस बहुत अच्छा है, गेम को लेकर बहुत अच्छी तरीके से परफॉर्म कर रहे हैं और हार भी रहे हैं तो सीख रहे हैं, अपनी गलती एक्सेप्ट कर रहे हैं और आगे के लिए तैयारी कर। जी सर, बिल्कुल, क्योंकि भिलाई के बच्चों का परफॉर्मेंस वैसे भी बहुत अच्छा है और अभी मतलब इस टूर्नामेंट में सबसे अच्छा परफॉर्म तो फिलहाल भिलाई कर रही है, तो यही उम्मीद करते हैं कि 18 से 21 को होने वाली जो रायपुर में स्टेट टूर्नामेंट है उसमें भी बच्चों का सिलेक्शन हो नेशनल के लिए। जी सर, बिल्कुल उम्मीद है क्योंकि बच्चों का परफॉर्मेंस बहुत अच्छा है, क्योंकि बच्चे बहुत सालों से मेहनत कर रहे हैं और यहाँ पे बहुत सारे क्लासेज ऐसे हैं जो बहुत टाइम से बच्चों के पीछे मेहनत कर रहे हैं और मतलब पहली बार हमारे यहाँ डिस्ट्रिक्ट का एफिलिएशन हुआ है, पहली बार डिस्ट्रिक्ट हमारी डिस्ट्रिक्ट फेडरेशन बनी है, तो बच्चों को मौका मिला है अपना एक तरीके से बोला जाए तो हुनर दिखाने का, तो बच्चे बहुत अच्छे तरीके से परफॉर्म तो कर रहे हैं। खिलाड़ियों ने इस प्रतियोगिता में भाग लेकर अपना चयन राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में करने के लिए खूब मुक्के और लात चलाए, जिससे वह इस प्रतियोगिता में जीत हासिल कर सके। ग्रैंड एशियन न्यूज़ के लिए भिलाई से संतोष शर्मा की रिपोर्ट।